गर्भावस्था हर एक महिला के जीवन का सबसे अनोखा पल होता है। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो घर परिवार के अलावे रिश्तेदारों में भी खुशियों का माहौल बन जाता है, क्योंकि आने वाला नन्हा मेहमान पति पत्नी के रिश्तों को और भी मजबूत कर देता है। परंतु कुछ ऐसी महिलाएं होती है जो पहली बार प्रेग्नेंट होने के कारण उन्हें ये पता नहीं होता है कि प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए और प्रेगनेंसी में क्या नहीं खाना चाहिए, और वो जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर लेती है जिसका खामियाजा गर्भ में शिशु को उठाना पड़ता है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए और प्रेगनेंसी में क्या नहीं खाना चाहिए। साथ ही जानेंगे कि प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए और प्रेगनेंसी में क्या नहीं करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं, यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए जिससे आपका शिशु स्वस्थ और निरोग पैदा हो। प्रेगनेंसी के दौरान माँ जो भी खाती है उसी से गर्भ में शिशु का विकास होता है। प्रेगनेंसी के दौरान आपकी प्रेगनेंसी डाइट अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो आपको प्रेगनेंसी में कब्ज या डायरिया हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान आपकी प्रेगनेंसी डाइट में ऐसी चीज़ों को जरूर शामिल करें जिसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाई जाती हो। प्रोटीन के लिए आप अपनी डाइट में गेहूं की रोटी, दाल, मछली और अंडे जरूर शामिल करें। प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं की हड्डियां मजबूत होना चाहिए। हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी है कि आप अपने शरीर में कैल्शियम की कमी ना होने दें, इसलिए प्रेगनेंसी डाइट में उन चीज़ों को शामिल करें जिसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है। जैसे कि आपको अपनी डाइट में दूध जरूर पीना चाहिए, आप पनीर, दही और छाछ का भी जरूर सेवन करें। ध्यान रखिए कि दही हमेशा दिन में ही खाएं, दही रात को खाने से नुकसान होता है। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती के शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कार्बोहाइड्रेट की कमी को दूर करने के लिए आप मक्का और गेहूं का बना हुआ दलिया रोजाना खाएं। जो भी गर्भवती महिलाएं होती है उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की डबल ज़रूरत होती है। आयरन की कमी ना हो इसलिए आप अपनी प्रेगनेंसी डाइट में हरे पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन, सेम की फली जरूर शामिल करें। यदि आप नॉनवेज खाती हैं तो प्रेगनेंसी डाइट में मटन या चिकन को भी ज़रूर शामिल करें। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं के शरीर में विटामिन बी की कमी नहीं होनी चाहिए। विटामिन बी की कमी ना हो इसलिए प्रेगनेंसी डाइट में दाल और फलियां जरूर शामिल करें, इससे गर्भवती के शरीर में विटामिन बी की कमी नहीं होती है। गर्भ में बच्चे के दिमागी विकास के लिए सबसे ज़रूरी है आयोडीन, इसलिए गर्भवती महिलाओं के शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होनी चाहिए। आयोडीन की कमी से बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है और गर्भवती को घेंघा नामक बीमारी भी हो सकती है। यदि आप आयोडीन की सही मात्रा प्रेगनेंसी के दौरान लेती हैं तो इससे मिसकैरेज होने का भी खतरा 99% तक कम हो जाता है। आयोडीन की कमी शरीर में ना हो इसलिए गर्भवती को दूध, अंडे और आयोडीन युक्त नमक को जरूर सेवन करना चाहिए। इन सभी चीज़ों के नियमित सेवन से शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होती है। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को थकान ज़्यादा महसूस होने लगती है, क्योंकि आपके शरीर में हार्मोनल चेंजिंग होना शुरू हो जाते हैं जिस कारण आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत ज़्यादा होती है। कार्बोहाइड्रेट की कमी को दूर करने के लिए प्रेगनेंसी डाइट में दलिया, रोटी, ब्राउन राइस जरूर शामिल करें, इससे आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं होगी जिस कारण आपको थकान भी महसूस नहीं होगी। प्रेगनेंसी के शुरुआती के 3 महीने यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। पानी की कमी शरीर में ना होने दें, क्योंकि पानी की कमी से ढेर सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड की कमी आ सकती है। गर्भ में शिशु का विकास सही तरीके से नहीं होगा, गर्भ में शिशु हलचल करना कम कर देगा, गर्भवती को यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है, गर्भवती के किडनी में स्टोन की भी समस्या हो सकती है। ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसलिए कहा जाता है कि गर्भवती को 8 से 10 ग्लास पानी रोजाना जरूर पीना चाहिए।
अब चलिए जान लेते हैं कि आपको प्रेग्नेंट होने के बाद प्रेगनेंसी में क्या नहीं खाना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान आप अपने खाने पीने का यदि सही तरीके से ध्यान नहीं रखती हैं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसे प्रेग्नेंट होने के बाद नहीं खाना चाहिए, जैसे पपीता। प्रेगनेंसी में किसी भी हफ्ते या महीने में कच्चा पपीता बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि पपीते में लाइकोपीन नामक तत्व पाया जाता है जिससे मिसकैरेज होने का खतरा बना रहता है। यदि आप पका हुआ पपीता खाना पसंद करती हैं तो नमक के साथ सीमित मात्रा में, वो भी प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर से खा सकती हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको पहले कभी मिसकैरेज हो गया है या समय से पहले आपकी डिलीवरी हो चुकी है तो पका हुआ पपीता भी आप बिल्कुल ना खाएं। इसके बाद है बेल। प्रेगनेंसी के दौरान बेल का भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेल का तासीर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है जो पेट को ठंडक पहुंचाता है। वैसे तो बेल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान बेल का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा बेल का सेवन करती हैं तो इसका तासीर ठंडा होने के कारण गर्भ में शिशु को निमोनिया होने का चांस रहता है और मिसकैरेज होने का भी संभावना होता है। इसलिए यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो बेल का सेवन ना करें। इसके बाद है तिल। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में तिल का सेवन नहीं करना चाहिए, तिल खाने से मिसकैरेज हो सकता है। इसके बाद है बैंगन। प्रेगनेंसी के दौरान बैंगन भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाएं यदि बैंगन का सेवन करती है तो उसे एसिडिटी की भी समस्या हो सकती है। कभी कभी इतना ज़्यादा गैस की समस्या हो जाती है कि वो बेचैन हो जाती है, इसलिए यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको बैंगन खाने से बचना चाहिए। इसके बाद है अनानास। प्रेग्नेंट महिलाओं को अनानास का भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनानास खाने से मिसकैरेज होने का चांस बढ़ जाता है। इसके बाद है चाय या कॉफ़ी। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी में चाय या कॉफ़ी पीने से बचना चाहिए। चाय हो या कॉफ़ी, दोनों ही प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती को भूख कम लगती है और ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीने से भूख न लगने की समस्या और भी बढ़ जाती है, इसलिए ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पीने से बचना चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती जो भी एक्टिविटी करती है उसका सीधा असर गर्भ में पल रहे शिशु के शारीरिक विकास पर पड़ता है, इसलिए ये जानना सभी महिलाओं के लिए ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यदि आपकी पीरियड टाइम पर आती थी और वो उस समय तक नहीं आई है, यानी कि पीरियड मिस हो जाती है और आपको ऐसे लक्षण दिख रहे हैं जिससे कि आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप प्रेगनेंसी किट से प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करें और अच्छी डॉक्टर से अपनी चेकअप जरूर करवाएं। जिस डॉक्टर से आप चेकअप करवाना चाहती हैं उस डॉक्टर के बारे में पूरी जानकारी कर लें। जब भी आप अपने डॉक्टर से मिलें तो अपनी डिलीवरी की डेट के बारे में ज़रूर बात करें। डॉक्टर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपकी रिपोर्ट देखकर और शारीरिक स्थिति को देखते हुए आपकी डिलीवरी की संभावित स्थिति को बता देंगे कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर सीजेरियन। कई बार गलत तरीके से उठने बैठने और गलत खान पान और एक्सरसाइज ना करने से सीजेरियन डिलीवरी करना पड़ता है, इसलिए अपने डॉक्टर से अपनी प्रेगनेंसी डाइट चार्ट जरूर बनवा लें और आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए ये भी जरूर पूछना चाहिए। पूरी प्रेगनेंसी के 1 से 9 महीने के दौरान हमेशा खुश रहिए, किसी भी तरह की टेंशन ना लें। गर्भवती महिलाओं को रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी सोकर उठना चाहिए, इससे आपका मन हल्का और खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे। गर्भवती को मॉर्निंग वॉक जरूर करनी चाहिए, क्योंकि सुबह की जो हवा होती है वो शुद्ध होती है जिससे आपके
शरीर को एक्टिव रखने में मदद मिलती है। प्रेगनेंसी के दौरान पेट में दर्द होना, सिर में दर्द होना ये आम समस्या है। ऐसे में कुछ महिलाएं खुद से कोई दवा खा लेती है, ये बिल्कुल गलत है। बिना डॉक्टर की सलाह से खुद से कोई भी दवा ना खाएं। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में अकेले ना रहें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहें, जैसे कि आपकी सास या आपकी मदर या आपके हस्बैंड, ताकि जब अचानक से लेबर पेन शुरू हो जाए तो वो आपकी हेल्प कर सके। प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में बच्चे के लिए कुछ कपड़े ज़रूर खरीदें और नैपकिन डायपर भी ज़रूर खरीदें। यदि आप स्मोकिंग या शराब पीती हैं और आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं तो जितनी जल्दी हो सके स्मोकिंग और शराब पीना बंद कर दें। यदि आप ब्यूटी पार्लर हमेशा जाती हैं प्रेग्नेंट होने के बाद तो जितना हो सके कम से कम केमिकल वाले प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करें। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो कोई भी भारी सामान ना उठाएं, जैसे कि घर में पानी की बाल्टी जाने अनजाने में आप उठा लेती हैं। प्रेग्नेंट होने के बाद मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जितनी ज़रूरत हो उतना ही करें, क्योंकि मोबाइल से निकलने वाली तरंगें गर्भ में शिशु को नुकसान पहुंचाती है। गर्भवती महिलाएं रात को सोने के समय मोबाइल अपने सिर के पास ना रखें। यदि आप मूवी देखती हैं तो ध्यान रखिए कि डरावनी मूवी ना देखें। प्रेगनेंसी के दौरान यदि आपको ट्रैवल करना पड़े तो आप ट्रैवल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। जहां तक हो सके ट्रैवल करने से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा समय तक एक ही स्थान पर खड़े नहीं रहना चाहिए, इससे गर्भ में शिशु पर गलत असर पड़ता है। प्रेग्नेंट होने के बाद बाहर की कोई भी चीज़ खाने से बचना चाहिए, जैसे कि पिज्ज़ा, बर्गर। प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपने सोने के तरीके में भी ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा पीठ के बल ना सोएं, आप बाईं करवट में सोएं, ये शिशु के लिए सबसे अच्छा पोजीशन माना जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर जब भी आपको जांच करवाने के लिए कहे तो जांच समय पर करवाएं। कई महिलाएं पैसे बचाने के लिए अल्ट्रासाउंड नहीं करवाती है, लेकिन इससे आपके शिशु और आपको नुकसान हो सकता है। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड इसलिए करवाने की सलाह देते हैं, इससे गर्भ में शिशु का पोजीशन कैसा है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। गर्भवती महिलाओं को पूरा समय होने के बाद डिलीवरी के लिए लेबर पेन ना हो तो भी आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं। डॉक्टर फिर आपको आपकी प्रेगनेंसी की सही जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए और प्रेगनेंसी में क्या नहीं खाना चाहिए, साथ ही प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और पिंक ग्लो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो फिर मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।